हेलो फ्रेंड्स, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए फिजिक्स विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियोआइसोटोप है। इसका पहला ऑप्शन है रेडियो सीसा, बी ऑप्शन है रेडियो कोबाल्ट, सी ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस और डी ऑप्शन है रेडियो आयोडीन। तो इसका सही आंसर है सी, रेडियो फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं, पहला ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि संख्या बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है का आकार छोटा हो जाता है और चौथा ऑप्शन है कि संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर है कि संख्या बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। इसमें पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है सीसा। तो इसका आंसर है सी, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेब का हरा रंग, ऑप्शन सी किरमिजी लाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, किरमिजी लाल। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल के समान होता है, ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए लौह यौगिकों से, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन डी लोहा कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी द्वारा प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। क्वेश्चन नंबर आठ, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा, ऑप्शन डी लाल पीला हरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लाल नीला और हरा। अगला क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट के जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, ऑप्शन बी फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, ऑप्शन डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसका आंसर है सी श्वेत श्याम प्रिंट। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, ए जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, बी है फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और रासायनिक उर्वरक, सी ऑप्शन सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, ऑप्शन डी है विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। अगला क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी, ए है मैडम क्यूरी ने, बी है जे जे थॉम्सन ने, सी है रो एंटजन ने और डी है बैकेरल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैकेरल ने। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपत्रीर को उपयोगी पाया जा गया है, ऑप्शन ए है पांथेनियम, ऑप्शन बी है हाथी घास, ऑप्शन सी है जलकुंभी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है भाप अंगार गैस, ऑप्शन सी है कोयला गैस और ऑप्शन डी है इंडेन गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 16, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया, ए है बैकानूर, बी है कौरू, सी है श्रीहरिकोटा और डी है चांदीपुर। तो इसका सही आंसर है बी, कौरू। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, ए है कोक, बी है पत्थर का कोयला, सी है लकड़ी और डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 18, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान में कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा, ऑप्शन ए है एक भाग, ऑप्शन बी है दो भाग, सी है चार भाग और डी है छह भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक भाग। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ए है नाइट्रोजन, बी है गंधक, सी है ऑक्सीजन और डी है जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। क्वेश्चन नंबर 20, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, ए है कोयला, बी है यूरेनियम, सी है रेडियम और डी है डीजल। तो इसका सही आंसर है बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, ऑप्शन है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, बी है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सी है चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ, ऑप्शन ए है जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी, बी है अल्कोहल के ऊपर के स्तर पर रहेगी, सी है दोनों के में एक ही स्तर पर रहेगी और डी है अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा पर आने जाने के यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? ऑप्शन ए उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, बी है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, सी है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, और डी है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ए है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, बी है ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, सी है ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, और डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन ए है विखंडन पदार्थ, बी है मॉडरेटर, सी है नियंत्रण छड़, और डी है शीतल प्रणाली। तो इसका सही आंसर है बी, मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? पहला है सोनी, बी है ग्रैंडिन, सी है पैनासोनिक, डी है टेलस्ट्रा। तो इसका सही आंसर है ए, सोनी। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बी है बैटरी द्वारा, सी है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, और डी है बिजली की चिंगारी द्वारा। इसका सही आंसर है सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है ओजोन। तो इसका सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 35। सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्रियॉन, ऑप्शन डी है फॉस्फिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रियॉन। धन्यवाद।